हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लासरूम। और आज हम लोग लेकर आए हैं लेसन नंबर 4। हमने किया था पिछली बार स्मार्ट वोकैब्स, याद है आपको? अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मैंने नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे रखी है, सो प्लीज चेक इट आउट। और आज के लिए मैं लाई हूँ ट्रैवल वोकैब्स। आई नो कि पैंडेमिक में ट्रैवल की बातें करना थोड़ी अजीब है, राइट? वैसे अजीब नहीं है, ये हमारे लिए होपफुल है कि जब पैंडेमिक खत्म होगी, जब ये सब लॉकडाउन और ये सब खत्म हो जाएगा, तब फाइनली हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे। आई एम श्योर हम लोग सब घर में पक गए। वेल, जब हम ट्रैवल करेंगे तब आपके लिए कुछ वोकैब्स होंगे जो आप यूज़ कर पाओगे। तो बस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वोकैब, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का मतलब क्या होता है? मोशन सिकनेस, एनी आइडिया? नो गाइस, जब ट्रैवल करते हो अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर हम बाई रोड जा रहे हैं, इवन फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, स्पेशली गाड़ियों में, तो सडनली चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, सब घूमता है, तो मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे कुछ दवाई लेनी पड़ेगी। कुछ लोग आंवला भी खाते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं मोशन सिकनेस। सम पीपल व्हाइल ट्रैवलिंग फेस मोशन सिकनेस, या आप इसको सेंटेंस में कह सकते हो, आई यूजुअली अवॉइड रोड ट्रैवल बिकॉज आई सफर फ्रॉम मोशन सिकनेस। आई हैव अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ मोशन सिकनेस, दैट्स व्हाई आई अवॉइड ट्रैवलिंग बाय बस। इस तरीके से आप मोशन सिकनेस को यूज कर सकते हो। अब आते हैं हमारे सेकेंड वर्ड पे। माई गॉड, ये वर्ड इंस्टाग्राम पे ट्रैवल ब्लॉगर्स के, और आजकल किसी भी इंसान के आप अगर जाओगे ना प्रोफाइल पे, तो नाम के नीचे लिख देंगे वंडरलस्ट। इसका क्या मतलब होता है? वंडरलस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ना ट्रैवल करने का बहुत बड़ा कीड़ा होता है कि ट्रैवल करना है, मतलब छुट्टी करके आते फिर बाहर जाना है, फिर घूमना है, हर 2 महीने ट्रैवल करना है। तो इंग्लिश में कहते हैं ही इज बिटन बाय द वंडरलस्ट बग। बग यानी कि कीड़ा, BUG। और तरीके हैं बोलने के, जैसे द वंडरलस्ट इनसाइड मी टुक मी टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, या आई गेव इन टू माई डिजायर ऑफ वंडरलस्ट एंड वेंट ट्रैवलिंग। सो बेसिकली वंडरलस्ट मतलब अ स्ट्रॉन्ग अर्ज, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल, उसको कहते हैं वंडरलस्ट। अब आते हैं थर्ड, बहुत ईजी वर्ड है, स्टीप। इतना ईजी है फिर भी लोगों को ये वर्ड आता नहीं है, इसलिए मैं सिखा रही हूँ। स्टीप का मतलब होता है बहुत ही ऊंचा, हिल, पहाड़ कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ऊंचा, यू नो, जिसमें अगर आप देखोगे नीचे तो चल पाना या ऊपर चढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या कहते हो, आई कांट टेक अ रिस्क दैट हिल इज़ वेरी स्टीप, या शी फेल डाउन फ्रॉम अ वेरी स्टीप हिल, इट्स वेरी डेंजरस टू क्लाइंब अप दैट स्टीप माउंटेन। तो स्टीप यानी कि बहुत ऊंचा, और बहुत ही उसका शार्प एक इंक्लाइन होता है जो सेफ नहीं होता है। यूजुअली जब आप किसी हिल स्टेशन में जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसे वोकैब को यूज़ कर पाओगे। अब आते हैं हाइकिंग एंड कैंपिंग। दोनों वर्ड मैंने बाजू बाजू लिखे हैं क्योंकि दोनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम है, बट देन सेम नहीं भी है। कैसे आ चलिए, हाइकिंग। हाइकिंग का मतलब होता है लॉन्ग वॉक्स पे जाना, स्पेशली कंट्री साइड में। हमारे यहाँ पे लोग जंगलों के बीच से जाते हैं, पहाड़ों के बीच से जाते हैं, काइंड ऑफ ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग तो बेसिकली पहाड़ के लिए होता है, और अगर आप बोलोगे प्लेन लैंड पे, लेकिन आप जा रहे हो थ्रू डिफरेंट एरियाज, थ्रू डिफरेंट लैंड लैंडस्केप्स, तो आप कहते हो हाइकिंग, लंबी लंबी जर्नीज करना। और कैंपिंग आप कह सकते हो हाइकिंग के नेक्स्ट लेवल, जब आप ऐसी जगह पे जाते हो एंड देन फाइनली आप टेंट बनाकर रात को सोते हो, होटल में नहीं, तंबू या यू नो बम्बू लगा के जो टेंट बनाते हैं लोग, उसमें जो सोते हैं उसको कहते हैं कैंपिंग। सो हाइकिंग और कैंपिंग ऐसे लोग करते हैं जो आउटडोर ट्रैवल के दीवाने होते हैं, और जिनको ये टिपिकल बोरिंग वही लग्जरियस होटल्स में जाकर साइट सीइंग करना पसंद नहीं है, बट नेचर में रहना अच्छा लगता है, उनके लिए हाइकिंग कैंपिंग। सेकेंड लास्ट वर्ड, बीच बम।
एक और इंस्टाग्राम यूट्यूब में फेमस वर्ड बीच बम। लोग अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं आई एम अ बीच बम। बीच बम मतलब वो जिसको बीच पर टाइम बिताना पसंद है। सिंपल मतलब भाई मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे गोवा जाना है, या अगर आप अब्रॉड बोलोगे तो भाई आई वॉन्ट टू गो टू द बीचेज ऑफ हवाई बिकॉज आई एम अ बीच बम। मैं तो बीच बम हूँ, मैं शिमला नहीं जाऊँगी, आई एम अ बीच बम। मतलब बीच पर लेटे रहना, सनस्क्रीन लोशन लगाना, बस ऐश की जिंदगी निकालना, बीच बम। आई एम अ बीच बम। या अगर आप नहीं हो तो आई एम नॉट अ बीच बम, आई एम अ हिल स्टेशन पर्सन। तो बीच बम। फाइनल वर्ड सिरीन। सिरीन देखो गाइज डायरेक्ट ट्रैवल वोकैब नहीं है, लेकिन अक्सर ट्रैवलिंग के समय ये वर्ड आपको मिलेगा। क्यों? बिकॉज सिरीन का मतलब होता है बहुत ही काम, पीसफुल, रिलैक्स, शांत एनवायरनमेंट। तो आप कहते हो ना कि शहर का जो ये जो पूरा क्या बोलते हो उसको हल्ला और जो शोर है, इन सब से मुझे दूर जाना है एंड मुझे एक बहुत ही शांत जगह पर रिलैक्स करना है अपने माइंड के लिए। इंग्लिश में बोलोगे आई वॉन्ट टू गो टू अ सिरीन डेस्टिनेशन, या आई एम रियली इंजॉइंग माई वेकेशन बिकॉज इट्स सो सिरीन आउट हियर। मतलब कितना काम है, कितना शांत है, माइंड रिलैक्सड है। सो इन अ वे सिरीन का मतलब होता है शांत एटमोसफियर, और मोस्टली हम लोग अपने घरों से अपने शहरों से भाग कर जाते हैं शांत एटमोसफियर की खोज में। सो सिरीन एटमोसफियर इसीलिए मैंने यूज़ किया। ये आज के 6 ट्रैवल वोकैब्स। मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको कैसे लगे, अगर पसंद आया तो उसके आप सेंटेंसेस बनाओगे और मुझे भेजोगे एंड आई शैल गेट बैक टू यू नेक्स्ट टाइम। अगली बार के लिए गाइज आई शैल सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग and keep speaking smart English. Bye, take care.